सदगुरु की जो ज्ञान की खुशबू है उसका एहसास वही कर सकता है जो शिष्य गांधी बन जाए। सतगुरु फूल गुलाबी रो और गांधी जाने भेद, हरिया अंतर निसरे वो कली कली रसले। कली कली रसले उमन करे मन बार पिलायो रे, उमन घणी मन बार पिला। सतगुरु जी माने प्रेम प्यार पायो रे, दयालु माने। थोड़ा सा रिदम कम करो, हल्का सा रिदम कम कर दो, हल्का सा, हल्का सा। ओ माने करे माने बार पिलायो रे, माने करे माने बार पिलायो रे, दयालु माने प्रेम प्यार पायो रे, सतगुरु जी माने प्रेम प्यार पायो तीरथ मारा गुरु जी रा चरणा। अड़सठ तीरथ मारा गुरु जी रा चरणा, मैं तो गीता जी रो ज्ञान गंगा लायो रे, मैं तो गीता जी रो ज्ञान गंगा लायो रे, दयालु माने प्रेम प्यार पायो रे, सतगुरु सा माने प्रेम प्यार पायो सा। ओ माने घणी माने वार पिलायो रे, माने डोडी माने वार पिलायो रे, दयालु माने प्रेम प्यार पायो सा, सतगुरु सा माने प्रेम प्यार पायो। सतगुरु नींद उड़ाए, असंग जुगारी दाता नींद उड़ाई, माने सुतोड़ाने आए जगायो रे, माने सुतोड़ाने आए जगायो रे, दयालु माने प्रेम प्यार पायो प्यार पायो सा।
भगवान भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है आज। और इस दुनिया में जिसको जगत गुरु कहा जाता है, आपने श्लोक पढ़ा होगा सजनों देवियों कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। वो पूर्ण पुरुष इस सृष्टि का जगत गुरु है। उस गुरु की प्राप्ति के लिए हमको संसार में सांसारिक सदगुरु करना भी जरूरी होता है। और ऐसा सदगुरु यदि जीवन में मिल जाए तो इस जगत गुरु की प्राप्ति भी सरलता से हो सकती है। इसलिए शिष्य को जब गुरु चरणों में सदगुरु के चरणों में आनंद मिला तब उसको लगा ओ कुट में कभी लो मारो सब जग झूठो कुट में कभी लो मारो सब जग झूठो मारा सत्य गुरु सही समझायो रे मारा सत्य गुरु सही समझायो रे दयालु मन प्रेम प्यालो पायो रे सत्य गुरु सा माने प्रेम प्यालो पायो माने घणी माने बार पिलायो रे माने तोटी माने बार पिलायो रे दयालु माने प्रेम प्यालो पायो सा सत्य गुरु सा माने प्रेम प्यालो सदगुरु की आवश्यकता होती है क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं आता सजनों। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि इस दुनिया में एक जो समय समय पर जब धरती पर पाप बढ़ जाता है अत्याचार बढ़ जाता है अधर्म बढ़ जाता है तब मेरे प्रभु श्री कृष्ण जैसे जगत गुरु का अवतार होता है। वो संकट काल में होता है। और दूसरा अवतार वो होता है जो नित्य अवतार होता है। और नित्य अवतार के रूप में भगवान अनंत कोटि संत महात्मा को इस धरती पर भेजते हैं जो हम सब में ज्ञान की ज्योति जगा करके हम सबको अज्ञान से दूर करते हैं ज्ञान की शलाका जगाते हैं। ऐसे सदगुरु का होना जीवन में जरूरी है। तब मान सिंह जी महाराज लिखियो देवीनाथ गुरु सामर्थ्य मिली मिलिया राजा माने सिंह जस गायो
प्रेम प्यालो पायो रे सतगुरु सा माने प्रेम प्यालो पायो सा माने करे माने वार पिलायो रे माने करे माने वार पिलायो रे दयालो माने प्रेम प्यालो पायो रे सतगुरु सा माने प्रेम प्यालो माने कर माने वार पिलायो रे माने दोटी माने वार पिलायो रे दयालु माने प्रेम प्यालो पायो सा सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो सा दयालु माने प्रेम प्यालो पायो रे सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो रे दयालु माने प्रेम प्यालो पायो रे सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो रे बोली सतगुरु दे एक बार प्रेम सु आप सभी लोग जितने भी भक्त लोग पीछे खड़े हैं आप सभी ज्यादातर विराजित हैं जो खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें बहुत अच्छा लगेगा भगवान को भी बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा बर्थडे मेरा प्राकट्य दिवस मेरा जन्म महोत्सव कितने मेरे भक्त कितने भाव विभोर होकर के मना रहे हैं उसका आनंद कुछ और ही होता है इसलिए हमने जगत गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण को माना है और संसार में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए जीवन में सतगुरु का होना भी बहुत जरूरी है देवियों सज्जनों सतगुरु की कृपा हम सभी पर बनी रहे और जब सतगुरु की बात आती है तो भगवान कृष्ण जो जगत गुरु है उनका गुणगान करना बहुत जरूरी है और आज तो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस है बड़े भाग्य की बात है महात्मा ने लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा ये मनुष्य जन्म कहते हैं 84 लाख योनि के बाद में मिलता है ये मनुष्य जन्म हम सौभाग्यशाली हैं सजनों कि मनुष्य जन्म हमको भगवान ने दिया श्री कृष्ण ने विष्णु भगवान ने हमको जन्म दिए दिया है मनुष्य चोला दिया है और इसमें भी सत्संग दिए है भजन सुनने को अवसर दिया है भजन करने का अवसर दिया है इसलिए मैं समझता हूं और वो भी आज भगवान श्री कृष्ण के पावन पर्व पर जन्मोत्सव पर भजन सुनने का और करने का अवसर दिया है ये भगवान की कृपा ही समझनी चाहिए बिना कृपा के ये चीजें नहीं मिलती अमित जी इसलिए जीवन में जब कभी ऐसा मौका बने हमें चूकना नहीं चाहिए आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है और भगवान कृष्ण को तो कौन नहीं रिझाना चाहता भाई मेरे प्रभु को मेरे कन्हैया को कौन खुश नहीं करना चाहता सभी खुश करना चाहते हैं तो एक बार जयकारा लगाएं जो जो भगवान श्री कृष्ण को एक बार मैं निवेदन करूंगा एक बार वे सभी भक्त लोग हाथ उठाएं अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं जो भगवान कृष्ण को खुश करना चाहते हैं जो भगवान कृष्ण को खुश करना चाहते हैं वो सभी दोनों हाथ ऊपर उठाएं क्या बात है सभी लोग खुश करना चाहते हैं तो फिर मुझे जयकारे के द्वारा एहसास करवाइएगा कि हम सभी भगवान को खुश करना चाहते हैं बोली कृष्ण कन्हैया लाल की बोलिए मीरा के श्याम की जब भगवान को खुश करना होता है ना मेरे दोस्तों तो भगवान के जो अनन्य भक्त रहे क्योंकि हम लोगों की बारी तो बहुत बाद में आती है हम तो बहुत बाद के भक्त हैं भगवान के जो भगवान के प्रिय भक्त हैं ना उनको खुश करना पड़ता है जब भगवान को खुश करना है तो इसलिए एक बार प्रेम से बोलिएगा
बोलिए मीरा के शाह।